हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा है कि अभी हमने न्यू एडमिशन लिया है तो क्या हमें भी अपने असाइनमेंट बनाने, जिसकी लास्ट डेट 30 सितंबर है। तो दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्या न्यू एडमिशन वाले स्टूडेंट्स को भी असाइनमेंट 30 सितंबर तक जमा करने हैं या नहीं करने हैं। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, यदि अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके जो असाइनमेंट है वो सबमिट हो रहे हैं और जिसकी लास्ट डेट 30 सितंबर रखी है। ऐसे में बहुत सारे रीजनल सेंटर ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपने असाइनमेंट सबमिशन की गाइडलाइन जारी नहीं की है, और कुछ रीजनल सेंटर ऐसे हैं जिन्होंने असाइनमेंट सबमिशन की गाइडलाइन जारी कर दी है। ऐसे में आपके एडमिशन भी अभी चल रहे हैं और बहुत सारे न्यू स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी जुलाई 2021 में एडमिशन लिया है किसी भी ईयरली बेस्ड या किसी भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में। तो उनका डाउट है कि क्या हमारे भी असाइनमेंट अभी सबमिट होंगे 30 सितंबर से पहले। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने जुलाई 2021 में एडमिशन लिया है किसी भी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में, ईयरली बेस्ड प्रोग्राम जैसे कि आपका BA जी, BCOM जी, BSc जी, या फिर BA ऑनर्स का कोई भी प्रोग्राम, जैसे कि आप हिंदी ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, इन सभी प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया है, या फिर आपका कोई भी मास्टर डिग्री का प्रोग्राम है, जैसे कि आपने MHI, MHD, MPS, MEG, MEC, इन सभी प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, तो ये आपके प्रोग्राम ईयरली बेस्ड हैं और आपने जुलाई 2021 में इन सभी प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, तो आपके जो असाइनमेंट है वो मार्च अप्रैल 2022 में सबमिट किए जाएंगे। अभी उन स्टूडेंट्स के असाइनमेंट सबमिट हो रहे हैं जिन्होंने जनवरी 2021 सेशन में किसी भी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया था, या जनवरी में उन्होंने अपने किसी भी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम के लिए री रजिस्ट्रेशन करवाया था सेकेंड या थर्ड ईयर में, या फिर वो स्टूडेंट जिन्होंने अपने पहले से असाइनमेंट सबमिट नहीं किए थे वो भी अभी 30 सितंबर से पहले असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जुलाई 2021 सेशन में एडमिशन लिया है, उनके असाइनमेंट अभी सबमिट नहीं होंगे अगर आपका ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है तो। इसके बाद दोस्तों, बात करते हैं आपके किसी भी सर्टिफिकेट या सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम के बारे में, जो कि आपका 6 मंथ का एक सेमेस्टर होता है। तो अगर आपने किसी भी सेमेस्टर बेस्ड या आपने किसी भी सर्टिफिकेट बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया है जो आपका 6 मंथ का प्रोग्राम है, जैसे कि आपने सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया है BCA या MCA, तो इसके जो आपके असाइनमेंट हैं वो आपके सेमेस्टर वाइज सबमिट होते हैं। यानी अभी आपने जुलाई 2021 में एडमिशन लिया है तो आपके असाइनमेंट अभी 30 सितंबर तक सबमिट होंगे। ऐसे में स्टूडेंट्स का ये भी डाउट है कि अभी हमने एडमिशन लिया है और अभी हमारा एडमिशन कंफर्म भी नहीं हुआ है और असाइनमेंट कैसे बनाएं हम, क्योंकि एडमिशन कंफर्म भी नहीं हुआ है, बुक्स भी नहीं आई है, तो हम असाइनमेंट कैसे बनाएंगे? तो आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके असाइनमेंट की जो लास्ट डेट है उसे एक्सटेंड कर दिया जाएगा, इसे 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया जाएगा। जैसा कि हर बार होता आया है, आपके जो असाइनमेंट की लास्ट डेट है उसे बढ़ाया जाता है, इस बार भी असाइनमेंट की लास्ट डेट को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अभी तक बहुत सारे रीजनल सेंटर ने असाइनमेंट की गाइडलाइंस नहीं दी हैं, इसलिए 31 अक्टूबर तक इसे बढ़ाया जाएगा। इसलिए जो भी स्टूडेंट्स ईयरली बेस्ड प्रोग्राम के हैं और आपने जुलाई 2021 सेशन में एडमिशन लिया है, तो आपको अभी असाइनमेंट सबमिट नहीं करने, आपके असाइनमेंट मार्च अप्रैल में सबमिट होंगे। और यदि आप किसी सेमेस्टर बेस्ड या सर्टिफिकेट बेस्ड प्रोग्राम में अभी जुलाई 2021 में एडमिशन लिया है तो आपके असाइनमेंट अभी सितंबर अक्टूबर में सबमिट होंगे। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि 30 सितंबर तक किसको असाइनमेंट सबमिट करने हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स का डाउट था कि अभी हमने एडमिशन लिया है क्या हमें भी अभी असाइनमेंट सबमिट करने। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।